हेलो बच्चों, और कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और गरिमा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मल माइक्रोस्कोप के बारे में कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, जिसको मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एक तो फ्लोरोसेंट होता है, एक इंटरफेज होता है, एक इन्वर्टेड होता है, एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बेटा ये सारे माइक्रोस्कोप जो थे, मतलब ओवरऑल ठीक थे, हमको समझ में आ रही थी चीजें, लेकिन जैसे अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और डीप में अगर पढ़ना है या फिर मुझे और स्टडी करनी है अच्छे से, बहुत ही गहराई में जाके अगर मुझे स्टडी करनी है, तो मुझे एक तरह का ऐसा मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए जिसमें मैं कोशिका के हर एक पार्ट का बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर सकूं। तो इसके बारे में सबसे पहले नॉल एंड रस्का ने 1932 के अंदर, जी हाँ 1932 के अंदर नॉल एंड रस्का ने सबसे पहले बताया था कि भाई एक ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। सो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, नेचुरल सी बात है, इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीन टाइप के हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं TEM बोलते हैं, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम SAM बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आता है इसको हम STEM, जहां पे स्कैन संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि स्कैन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि किसी भी अगर मैं ये बात करूं कि भाई मुझे माइक्रोस्कोप को यूज करना है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, फर्स्ट काम क्या होगा? पहला काम होता है यहाँ पे हमको अपना स्पेसिमेन तैयार करने का, हमारा फर्स्ट काम होता है। एक बात का हमेशा याद रखना कि जो ये वाले माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम गिरती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बीम गिरने की वजह से यहाँ पे जो हम प्रादर्श लेते हैं उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो भी हम प्रादर्श बनाते हैं वो डेड होता है, ठीक है, मतलब वो लिविंग नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। और हम लोग यहाँ पे ओवरऑल जो स्पेसिमेन बनाते हैं वो इतना थिन होता है, एक सेक्शन कटिंग के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माइक्रोटॉम बोलते हैं, जिसमें हीरा लगा हुआ होता है। सो वहां पे लगभग हम बहुत ही पतले, एक चीज और, आप लोगों ने अगर माइक्रोस्कोप का कभी यूज किया हो तो हमेशा आपका टीचर आपको यही चीज बोलता है, जितना पतला स्पेसिमेन होगा, जितनी पतली सेक्शन कटिंग होगी, उतना ही आपको अच्छे से दिखाई देगा, थिक के अंदर आपको वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो यही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ में है, जहां पे हमें जो हमारा प्रादर्श होता है उस प्रादर्श को बहुत ही बारीक 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 काटना होता है, बहुत ही थिन काटना होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो भी हमारा जो भी हम स्पेसिमेन बनाते हैं वो माइक्रोटॉम की हेल्प से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, संचरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हम लोग अगर कोशिकांग जो है यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखनी है, बहुत ध्यान से देखना है हमें, भाई मेरे को तो ये देखना है कि राइबोसोम के अंदर कितने यूनिट्स हैं, या जो इलेक्ट्रॉन के, अगर मैं ये बोलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और एक मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, ये मुझे कैसे पता चला? मैंने तो पढ़ा है, लेकिन ये ओवरऑल हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर देखी है, किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि यहाँ पे एक तो एनोड होगा, कैथोड होगा, आपको मालूम ही है एनोड क्या होता है, एनोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडेंसर होगा, लेंस होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर होगा और फोटोग्राफिक प्लेट होगी। जिस तरह से हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी आंख पे फोकस करके देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऐसे फोकस करके उसको नहीं देख सकते, उसकी एक इमेज बनती है, ठीक है।
एक प्लेट होती है जहां पे उसकी एक इमेज बनती है और उस इमेज की हम लोग स्टडी करते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप है ये बीम पे आधारित होता है, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या गिरती है, लाइट की बीम गिरती है। कभी आप लोगों ने पुराने जमाने के जो टीवी होते थे वहां पे एक कैथोड ट्यूब होती थी जहां पे अगर अपन टीवी खोल के बंद कर दें तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, बिल्कुल एक डॉट सा नजर आता था हमको स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे जमाने की बात है जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। तो वो कैथोड रेज जो है उन्होंने अपना काम किया, इलेक्ट्रॉन की बीम निकली। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है ये जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें से जाती है, ठीक है। जैसे ही वो स्पेसिमेन में से वो बीम गई, इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो स्पेसिमेन से बीम हुई और इसको कंट्रोल कौन करता है इस बीम को, वही इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है बेटा ये कंट्रोलेबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं और वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल से हम इसको कंट्रोल करते हैं बीम को। तो अब यहाँ पे कंटिनेशन के अंदर यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज, मतलब टंगस्टन का रेजिस्टेंट जो होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि टंगस्टन का रेजिस्टेंट सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, इसीलिए वो हीट डेवलप भी करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीज कि हम लोग जब हीटर वगैरह बनाते हैं तो वहां पे हम लोग टंगस्टन वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम की तार का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो जो टंगस्टन है ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मेटल होता है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं एक बीम डालते हैं, ठीक है। जो बीम जो होती है, ठीक है, हाई वोल्टेज होती है, लगभग अगर हम बात करें तो 20,000 से लेके 1,00,000 तक की हम लोग यहाँ पे हाई वोल्टेज दे रहे हैं। और एक बीम निकलती है और उससे एक प्रकाश पुंज निकलता है, मतलब बहुत तेजी से क्या निकलता है, प्रकाश पुंज निकलता है और वो बेसिकली स्पेसिमेन में से जाता है और वहां पे उसका प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया कि वो जो इमेज है वो आगे जाके स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। और जैसे ही वो इमेज स्कैटर्ड हुई तो एक फिल्म के ऊपर वो इमेज जो होती है वो बन जाती है, और जैसे ही उस फिल्म पे वो इमेज बनती है तो उससे वो इमेज फोकस कैसे होती है कि वहां पे एक लेंस होता है, उस लेंस से वो इमेज जो होती है वो फोकस हो जाती है और एक पर्टिकुलरली एक पर्दे पे उसकी इमेज बनती है। और इसी इमेज को हम लोग अगर हम बात करें एक फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जहां पे वो इमेज बन जाती है और उसी इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। याद रखना एक चीज को कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो वहां पे उसका जो मतलब उसकी जो अगर हम बात करें उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, यानी कि जो उसकी अगर मैं ये कहूँ कि उसकी जो आवर्धन क्षमता जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब हम किसी भी स्पेसिमेन को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं, इतना बड़ा हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज को स्टडी करने के एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज कर देती हूँ, जो अपना TEM है यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या है ओवरऑल। एक मिनट के लिए इसको मिटा दें। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक स्पेसिमेन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक स्पेसिमेन है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा प्रादर्श हमने तैयार करा है जिसको भी हमको लार्ज करके देखना है, ठीक है। अब इसपे से इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है। किससे निकल रही है, टंगस्टन से निकल रही है, ठीक है। टंगस्टन एलिमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है और इसको कंट्रोल किससे किया जा रहा है, इसे कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इसमें से गुजरी है तो ये क्या होगा कि इसकी जो ये जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इमेज जो है ये कैसी हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। और यहीं पे ही अगर हम बात करें कि स्कैटर्ड होने से पहले ही यहाँ पे एक लेंस होता है और इस लेंस से ये इमेज जो है ये एक इस फिल्म पे आ जाती है, यानी कि एक पर्दे पे आ जाती है,
ये क्या हो गया, ये एक लेंस हो गया, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की बीम आई हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, ये क्या है, एक लेंस होता है। इस लेंस से ये जो स्कैटर्ड इमेज है ये एक जगह फोकस हो जाएगी, और वो जो फोकस होगी जो जगह वो एक पर्दा होगा, तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगी, इस फिल्म पे इसकी हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। यानी कि जो भी हमारा प्रादर्श है वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। तो ये ही एक कंसेप्ट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। स्पेशली अगर हम टेम की बात करें, जहां पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्कैन इलेक्ट्रॉन, इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे डिस्कस करें। चलिए स्क्रीन शॉट ले लो। सो नेक्स्ट जो आता है इसको हम बोलते हैं स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब जो ये स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बेटा, इसको सबसे पहले डिस्कस किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉन आइनन, ठीक है। वॉन आइनन ने 1938 के अंदर, ठीक है, इसको किसने बनाया था, वॉन आइनन ने, ठीक है। ये 1938 के अंदर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, ठीक है, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, जिसको हम सैम बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो अगर हम बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को टेलीविजन के साथ में मिक्स कर लिया, ठीक है, यानी कि दोनों टेक्निक को उन्होंने मिक्स कर लिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक और टीवी की टेक्निक, इन दोनों को इन्होंने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने की जो पावर बोलूं कि उसकी जो विभेदन क्षमता जो है इसकी सैम की, वो टेम से कम होती है। टेम की विभेदन क्षमता जो होती है वो बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे एक भाई, वहां पे तो एक प्रॉपर बीम आ रही है, बहुत बड़ी बीम आ रही है, और यहाँ पे एक पतली बीम आती है, बहुत ही पतली बीम आती है जो स्पेसिमेन का क्या बनाती है, एक तरह का एक इमेज बनाती है। वहां पे बहुत मोटी बीम थी, यहाँ पे एक प्रॉपर एक इमेज आती है, और उसको वो क्या होती है कि उसकी जो बाहरी सतह होती है, जो आउटर इमेज जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपित होती है किसी भी एक, अगर हम बात करें कि ये जो अगर वहां पे तो क्या हो रहा था कि एक लेंस था, उस लेंस से जो स्कैटर्ड इमेज है, जो अलग अलग इमेज है, वो इससे जाके एक इस पे आ गई है, इमेज पे आ गई है, एक फिल्म पे आ गई है सारी इमेज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रक्षेपित हो रही है इमेज, पतली इमेज जो है किसी भी प्रादर्श से गुजर के इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो क्या हो रही है, वो प्रक्षेपित हो रही है, डिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। और डिफ्लेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें कि इधर की तरह हम बात करें कि यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन की वजह से हमें यहाँ पे इमेज दिखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे भी हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अगर हम बात करें कि एक बीम बनाते हैं, ठीक है, एक पतली सी सुई होती है जिसको हम प्रॉब बोलते हैं, और उस प्रॉब से जब जो इलेक्ट्रॉन की बीम है किसी भी प्रादर्श पे पड़ती है, एक बहुत पतली सुई होती है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो जब किसी प्रादर्श पे पड़ती है, तो जो इसकी जो इमेज होती है वो 3D इमेज बनती है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको बहुत आसानी से पता चल जाती है। तो इसमें खास बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे पूरी की पूरी 3D इमेज बन रही है, वहां पे तो क्या बन रहा है, सिर्फ एक इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई का हमको एक आइडिया हो जाता है कि उसकी इमेज कैसी होगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक तरह का अगर हम बात करें लेंथेनम हेक्सोबोराइड कैथोड, या तो हम लोग उसको यूज करेंगे, टंगस्टन को यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी यूज कर सकते हैं जिसको हमने नाम दिया लेंथेनम हेक्सोबोराइड कैथोड, हम बोलते हैं उस चीज को। तो उससे हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकाल रहे हैं, पतली सी सुई से बीम निकाल रहे हैं ताकि पतली बीम बने,
वो जो पतली सी सुई होती है भाई, वहां पे तो सीधे बीम आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक पतली सी सुई से हम लोग बीम बनाते हैं, और वो जो बीम होती है, जो पतली सी सुई होती है, उसको हम प्रॉप बोलते हैं। और जैसे ही ये एक प्रादर्श पे पड़ेगी तो वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे एक जो इमेज बनेगी वो 3D इमेज बनेगी, यानी कि हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो मालूम चलेगी, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, सैम के अंदर हमें एक 3D इमेज बन रही है। तीसरा आता है स्कैन संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बहुत ही मॉडिफाइड होता है, जिसके अंदर हमें प्रॉपर इमेज भी मिलती है और प्रॉपर हम उसको 3D के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में आप अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। कभी मैं इसका एक और भी वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पूरी एक डिटेल आप लोगों को और दूंगी, ठीक है। बट BSc के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इतना ही है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज जो है वो थोड़ी समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फार बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इमेज मिलती है वो क्लियर मिलती है, बड़ी मिलती है, आवर्धित मिलती है। वहां पे जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज है वो कहाँ, जो सोर्स ऑफ द जो सोर्स है वो क्या है, वो लाइट है, सूर्य का प्रकाश या आर्टिफिशियल प्रकाश। यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस इमेज को हम लोग देख सकते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस बन रही हैं, इस इमेज की जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे जो इमेज बन रही है वो एक फोटोग्राफी प्लेट पे बनेगी, जो कि आपको नजर, वो फोटोग्राफी प्लेट पे उसकी इमेज बन रही है, आप उसको आंखों से नहीं देख सकते हो। जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो चीजें बन रही हैं, आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोल के मैं देख लूं कि भाई क्या हो रहा है वहां पे आपको कोई इमेज नजर नहीं आएगी। उसका एक इमेज जो नजर आती है वो फोटोग्राफी प्लेट पे आपको नजर आती है, मतलब उसका एक छाया हमको मिलती है किसी भी एक प्रादर्श की। तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे और टेक्निक्स के बारे में, जहां पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्लस हम लोग पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग्स क्या होती है। इसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।